बिहार सरकार जनवितरण प्रणाली दुकानदार के माध्यम से जरूरतमंद को राशन उपलब्ध कराने के लाख दावे और वादे करे, लेकिन सरकार का गरीबों तक अंत पहुँचाने का सारा प्रयास जनवितरण दुकानदार फेल कर दे रहे हैं। राशन कार्ड रहते कई डीएल कार्ड धारी को राशन नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की, जहाँ बंदरा प्रखंड के सुंदरपुर रतवारा पंचायत के वार्ड 5 में पिछले 5 वर्षों से कार्ड होने के बावजूद उन्हें डीलर द्वारा राशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों की जुबानी ही सुने कि आखिर कौन उनके घर का राशन खा जा रहा है और क्यों कार्ड रहते नहीं मिल रहा है राशन। जी बताइए। मेरा नाम शबनम बेगम है, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद मकबूल, सुंदरपुर रतवारा 5 नंबर वार्ड से। मेरी यही समस्या है कि हम 5 साल से परेशान हो रहे हैं। राशन मिल रहा था, वितरण हो रहा था मेरे नाम के, मगर राशन कार्ड रख लिया गया। और जब ऑनलाइन सब राशन कार्ड निकाले नंबर का, तब पर भी डीलर राशन देने के लिए नाम नहीं होता। हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना अप्लाई किए, क्या किए, कुछ भी नहीं। उसके बाद हम लोग ये कदम उठाए हैं। हमारे जो विनय सैनी है वो हमारे सहयोग में है, हमारे वार्ड है वो भी सहयोग में है, मगर जो आगे जो उसके ऊपर भी आदमी है वो हमारे सहयोग में नहीं है, वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी लॉकडाउन है, भूखे मर रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा है, क्या कर सकते हैं। अभी खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कोई कर्जा भी नहीं दे रहा है अभी के टाइम में। क्या हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग का वो भी सहारा था राशन, वो भी नहीं दे रहा। अरे फ्री जो फ्री वाला राशन है, जब अपना राशन वो खुद का नहीं दे रहे तो फ्री वाला राशन कहाँ। क्या नाम है आपके डीलर साहब का? चंद्रभूषण ठाकुर। हमारी इतनी आग्रह है जो जिला प्रशासन है हमारी मदद करे, हम भूखे प्यासे इधर उधर दौड़ रहे हैं, रोजा रख के हम धूप में दौड़ते हैं। हमारी इतनी आग्रह है कि हमारी मदद करे जिला प्रशासन। हम लोग रोजा रख के दौड़ रहे हैं, हम लोग को मतलब कि उनको कहना जिला प्रशासन को हम लोग को ध्यान दे, कुछ मदद करे। हम लोग को हस्बैंड बाहर में फंसे हुए, बच्चे लोग हैं, भूखे बहुत मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ डीलर लोग भी कुछ सुन नहीं रहे, क्या है क्या प्रखंड में भी जा रहे, कोई सुनवाई नहीं दे रहे। आगे कुछ हम लोग का ये करें, जिला प्रशासन मदद करे, हम लोग भूख मर रहे हैं। जिला प्रशासन मदद करे, वीडियो मदद करे, जिला प्रशासन मदद करे, हम भूखे वीडियो साहब भूखे हम मर रहे हैं, मदद कीजिए, आपसे गुहार है। जिला प्रशासन मदद कीजिए, हम सब भूखा प्यासा मर रहे हैं। जिला प्रशासन से आवेदन है, जिला प्रशासन से हमको आवेदन है कि जो हम लोग भूखे हैं हमको मदद करें। जिला प्रशासन से मदद कर दिए हमको, जो भूखा है हम सब दोनों को मदद करना चाहिए, मदद करिए, जो भूखे मर रहे हैं बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं। जी बताया जाए, क्या नाम हुआ आपका? हिना बेगम। जी क्या, जी सुंदरपुर द्वारा। जी जी क्या दिक्कत? वही है कि मतलब कि 5 साल से कार्ड का निकला हुआ है, फिर भी मुखिया के पास गए तो वो बोले कि जाओ कार्ड नहीं है, तुम टाइम पर नहीं आए, तो उनको खोज के देना चाहिए ना हम लोग को कार्ड। राशन भी नहीं दे रहा, नंबर फिर प्रूफ है, कार्ड नहीं तो नंबर क्या हाथ है। ब्लॉक पर से नंबर मिला तो कार्ड कोई सुनवाई ही नहीं ले रहा, राशन दे ही नहीं रहा हम लोग को। इतना दिन से ट्राई किए, जब नहीं दी तो हम लोग थक गए। फिर इस समय आया है लॉकडाउन का, तो फिर ये कागज़ निकाले तो बोला कि नहीं होगा। कौन सा कागज है जरा दिखाइए। यही कागज़ जनगणना वाला, ये नंबर है कार्ड का, राशन का नंबर है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। बोले कार्ड खोज के दीजिए आप लोग, मुखिया जी को भी बोले तो वो भी नहीं दे रहे, वो सुन ही नहीं रहे हैं कोई। और ब्लॉक से भी गए तो वहाँ से नंबर दे दिए। जी बताइए। हम सुंदरपुर रतवारा पंचायत से बोल रहे हैं, मैं 5 नंबर वार्ड सदस्य हूँ, और ये जितने भी जनता हैं इनके राशन कार्ड शुरू से नहीं था। कुछ आदेश मिला कि राशन कार्ड नेट के जरिए नंबर निकालने के, नंबर जनता ने निकाले, ठीक है ना। उसके बाद नंबर निकालने के बाद में मुखिया जी भी कहें और हम भी जाकर के डीलर साहब को कहें कि लोग के राशन दीजिए, लेकिन डीलर साहब ने कहे कि राशन हम नहीं देंगे, जबकि राशन कार्ड नंबर अंकित है, तब पर भी डीलर साहब राशन देने से इनकार है। इसके लिए हम, मैंने वीडियो साहब को कहें, पंचायत मालिक मुखिया जी को भी कहें, मुखिया जी भी डीलर साहब को कहें कि राशन दीजिए, लेकिन डीलर साहब राशन नहीं दिए। वीडियो साहब ने क्या आश्वासन दिया? वीडियो साहब ने यही कहें कि ठीक है, इस पर हम सोचेंगे, सोच के बताएंगे, लेकिन 20 से 25 रोज हो गया कागज, अभी तक इसका कोई अंतर्गत कुछ बताए नहीं। डेली फोन करते हैं, कहते हैं अच्छा इसका मंडन अब आएगा तो देंगे, अब आएगा तो देंगे, लेकिन जनता को देना है। जनता इस आक्रोश में प्रतिनिधि को गाली भी दे रहे हैं, मारने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, अब प्रतिनिधि करे तो क्या। सही, ये बताइए कितने लोग होंगे आपके वार्ड में जिनको ये समस्या है? ये समस्या जिसका राशन कार्ड नंबर अंकित अभी नेट के जरिए हुआ है, करीबन 16 से 17 आदमी है जिनको राशन नहीं मिल रहा, जिसको राशन नहीं मिल। बहुत ही गरीब परिवार से हैं, एक महिला अभी रो रही थी। हाँ, गरीब परिवार तो ही है, खाने बिना सब आक्रोश से मर रहा है, आक्रोश से
हमको कल परसों मरने के लिए भी तैयार हो गया, गाली गुप्ता भी दिया जनता लोग, तब पर भी मैंने बर्दाश्त किया हूँ, तब पर भी इस माहौल देखते हुए तब पर भी हमसे जो हो रहा है वहाँ तक ये कागज पहुँचा रहा हूँ और जितने भी पत्रकारी है उनसे कहते हैं कि इन लोग के राशन उपलब्ध करा दें। किनको आवेदन दिया है आपने? मैंने BDO साहब के आवेदन दिया, SDO साहब के भी, व्हाट्सअप अभी तो लॉकडाउन है तो कागज तो पहुँचा नहीं पाते हैं, लेकिन व्हाट्सअप के जरिए उनको भी खबर दिया किया है। डीलर साहब से आपकी बात हुई? डीलर साहब से बातचीत हुई है, डीलर साहब ने कहा है कि जब तक इसका आवंटन हमको नहीं मिलेगा तब तक जनता को हम नहीं देंगे। इसके बाद कल मीडिया वालों को बुला करके भी ये सब काम किए, तो कल के डेट में डीलर साहब ने फ़ोन किया कि आकर के जितने भी कागज हमको दे दीजिए, इस लोग के राशन हम उपलब्ध कराएंगे। तो आज जाकर के मैंने कागज पहुँचा दिया। एक बार परिचय अपना पुनः दे दीजिए। हम सुंदरपुर अतवारा पंचायत से बोला है, मेरा नाम मोहम्मद गफ्फार है, मैं 5 नंबर वार्ड सदस्य हूँ। सरकार और जिला प्रशासन को ऐसे डीलरों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जो गरीबों के निवाला को खोद खा जा रहे हैं और सरकार की गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पहुंच नहीं पा रही है। मुजफ्फरपुर से राकेश कुमार झा की रिपोर्ट।